और इस वीडियो में मैं आप लोगों को पांच ऐसी सेटिंग बताऊंगा जिसका अगर आप लोग यूज कर लेते हैं, जिसको कर लेते हैं, तो आप लोगों के लिए आसानी होगी आपके YouTube चैनल को मैनेज करने के लिए। साथ ही साथ आप लोग अपनी वीडियोस को वायरल कर सकते हैं इन सेटिंग का यूज करके। काफी इंपॉर्टेंट सेटिंग है, जानते हैं इस वीडियो में। बात करते हैं इधर पहले नंबर की सेटिंग की। इसको करने के लिए आप लोगों को सिंपल करना कि आप लोगों ने अपने वाइट स्टूडियो को ओपन कर लेना है। वाइट स्टूडियो को ओपन करने के बाद आप लोगों ने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को इधर ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एडवांस सेटिंग का। आप लोगों ने एडवांस सेटिंग को ओपन कर लेना है। एडवांस सेटिंग को ओपन करने के बाद इधर आपको एक ऑप्शन मिलेगा किड्स का, यानी कि आप लोगों का अगर किड्स का चैनल है तो आप लोग यस कर सकते हैं, आप लोगों का अगर किड्स का चैनल नहीं है तो आप लोग नो कर सकते हैं। अब इसका फायदा ये होगा कि आप लोग जब भी वीडियो अपलोड करते हैं तो यूट्यूब आपसे पूछता है कि आप लोगों की ये वीडियो किड्स के लिए है या नहीं। अगर आप लोग किड्स के लिए वीडियो नहीं बनाते तो आप लोग इधर नो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आप लोगों को बार बार जब वीडियो अपलोड करेंगे सेलेक्ट नहीं करना पड़ेगा कि आप लोगों ने किन के लिए वीडियो बनाई। बात करते हैं इधर दूसरी नंबर की सेटिंग की, जो कि है डिस्क्रिप्शन से रिलेटेड। देखो हमारी डिस्क्रिप्शन में कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो हर दफा सेम रहती है, यानी कि जैसे कि हमारे सोशल लिंक्स हो गए, उसके अलावा एफिलिएट लिंक हो गए, वो हमेशा सेम रहेंगे, या कुछ ऐसे कीवर्ड जो हमेशा हमारी डिस्क्रिप्शन में सेम रहते हैं, तो ऐसे में बार बार हमें उन्हें ऐड करना पड़ता है। या अगर आप लोग कोई वीडियो लगाना चाहते हैं अपनी फेमस वीडियोस, तो आप वो भी इधर ऐड कर सकते हैं, बट उसके लिए दोबारा बार बार कॉपी करें उसके बाद पेस्ट करना पड़ता है। बट अगर आप लोग चाहते हैं कि आपकी डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिक यूट्यूब सेट कर दे, जो भी आप लोग सेट करना चाहते हैं डिफॉल्ट वो सेट कर दे, जब भी आप लोगों ने वीडियो को अपलोड करना है जो भी आप लोगों ने लिंक्स ऐड किए होंगे वो ऑटोमेटिक आ जाएं, उसके लिए आप लोगों ने सिंपल सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों को इधर सेटिंग मिल जाएगी अपलोड डिफॉल्ट की, आप लोगों ने इसको ओपन कर लेना। इसको ओपन करने के बाद जैसे ही आप लोग बेसिक इन्फो को ओपन करेंगे, इधर आप लोगों को सेटिंग देखने को मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन की, टैग्स की, आप लोग जो भी ऐड करना चाहते हैं बाय डिफॉल्ट आप लोग कर सकते हैं। जब भी आप लोग वीडियो को अपलोड किया करेंगे ना, तो ये डिस्क्रिप्शन एज इट इज आप लोगों के सामने आ जाया करेंगे। बात करते हैं इधर तीसरे नंबर की सेटिंग की, जो के है मोनेटाइजेशन से रिलेटेड। अगर आप लोगों का यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है, आप लोग जब भी अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं, ऐसे में यूट्यूब आपसे पूछता है कि कौन से एड्स को आप लोग इनेबल करना चाहते हैं। स्किपेबल एड्स होते हैं, नॉन स्किपेबल एड्स होते हैं। अब आप हर दफा हर वीडियो में अपने एड्स को इनेबल करते हैं, बट अगर आप लोग चाहते हैं बाय डिफॉल्ट इनेबल ही रहे, आप लोगों को हर वीडियो में कस्टमाइजेशन ना करनी पड़े, तो उसके लिए सिंपल आप लोगों ने करना कि दोबारा से सेटिंग को ओपन करना है। सेटिंग को ओपन करने के बाद अपलोड डिफॉल्ट चले जाना है। अपलोड डिफॉल्ट में जाने के बाद इधर मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जाना। मोनेटाइजेशन के सेक्शन में जाने के बाद आप लोगों ने जितने भी एड्स हैं उनको इनेबल कर देना है और सेव कर देना है। अब जब भी आप लोग वीडियो अपलोड किया करोगे, आप लोगों को मोनेटाइजेशन के जो एड्स हैं वो बार-बार ऐड नहीं करने पड़ेंगे। बात करते हैं इधर चौथे नंबर की सेटिंग की, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इस सेटिंग को करना चाहते हैं तो इसके लिए सिंपल आप लोगों ने कस्टमाइजेशन में जाना है। वाइट स्टूडियो को ओपन करने के बाद आप कस्टमाइजेशन में जाके उसके बाद आप लोगों को इधर सेटिंग मिल जाएगी, ऑप्शन मिल जाएगा वीडियो स्पॉटलाइट का। अब ये एक्चुअल में क्या है? अब कुछ ऐसे व्यूवर होते हैं जो आप लोगों के चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया होता, बट आप लोगों की वीडियोस देखते हैं, आप लोगों के चैनल को सर्च करते हैं, ऐसे में आप लोग एक ऐसी वीडियो, एक ऐसा ट्रेलर ऐड कर सकते हैं जिसकी वजह से वो मे बी आपका चैनल सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों ने सबसे तगड़ी अपने चैनल की वीडियो इधर ऐड कर देनी है, ऐसे में अगर कोई सर्च करता है उसको ये वीडियो शो होगी आपके चैनल की, तो आप मे बी वो सब्सक्राइब आपके चैनल को कर ले। बात करते हैं इधर नेक्स्ट सेटिंग की। अभी सेटिंग का यूज अगर आप लोग करते हैं ना, आप अपनी वीडियोस के व्यूज इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि YouTube जो रिकमेंड करेगा आपकी वीडियोस को बिल्कुल एक्चुअल लोगों को करेगा जिसके लिए आप लोगों ने वीडियो बनाई है। तो इसको करने के लिए आप लोगों ने सिंपल सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद अपलोड डिफॉल्ट में जाना है। अपलोड डिफॉल्ट में जाने के बाद एडवांस सेटिंग में जाना है। इधर आप लोगों को चैनल कैटेगरी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, तो आप लोगों ने अपने चैनल की कैटेगरी लाजमी सेलेक्ट कर लेनी है कि आपका चैनल किस कैटेगरी के। बहुत से लोगों ने अपने चैनल की कैटेगरी ही नहीं सिलेक्ट की होती, यानी कि अगर उनका टेक्नोलॉजी का चैनल है, साइंस रिलेटेड चैनल है, उन्होंने चैनल कैटेगरी कॉमेडी सिलेक्ट की होती है, उनको पता ही नहीं होता। ऐसे में आप लोगों ने एक लैंग्वेज, एक चैनल कैटेगरी, इन दोनों को सिलेक्ट करके रखना है। जैसे कि अगर उर्दू या हिंदी में मैं बना रहा हूं वीडियोस, तो मैंने अपनी लैंग्वेज वही सिलेक्ट करनी है, ताकि यूट्यूब को स्पेसिफिक पता चल जाए कि मेरा चैनल किस कैटेगरी का है, किस टॉपिक से रिलेटेड मैं वीडियो बनाता हूं, यूट्यूब उसको रिकमेंड करे उन्हीं एक्चुअल व्यूवर को जो इसके पोटेंशियल व्यूवर हैं। साथ ही साथ आप लोगों ने लैंग्वेज भी सेलेक्ट करनी है, ताकि मेरी वीडियो उन्हीं को शो जो मेरी तरह लैंग्वेज बोलते हैं या मेरी वीडियो की लैंग्वेज समझते हैं। तो ये पांच सेटिंग है जो आप लोगों को लाजमी के लाजमी करनी चाहिए अगर आप लोग अपने यूट्यूब चैनल को ग्रो करना चाहते हैं, अपने यूट्यूब चैनल को आसानी से हैंडल करना चाहते हैं। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।